अच्छा किशमिश पानी पियो, खीर नहीं खाओगे तो कुछ और देते हैं फिर ना, क्या दे ब्रेड बटर दे या थोड़ा सा दो चार चम्मच खा लो। हाँ तो इसको दो चार चम्मच खीर खा लो बेटा, नहीं इतना नहीं हैवी होगा, अगर बहुत कम खाओगी तो मन नहीं है। चलो बाद में खाओगी शाम को। अच्छा ले लो किशमिश पानी, लो तुम उठाओ। मट्ठा दे दे, मट्ठा नहीं लोगी? ओए मैम किधर जा रही हो? अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। जा रही है घूमने अपने पापा के साथ चली, और वो बैग पैक कर रही है। अभी कंफर्म नहीं है। पिज्जा खाना, पिज्जा झूठ बोल रहे हैं। नहीं मतलब अब हमको लगा आप जभी का नाम पूछ रहे हैं। ठीक जॉय इंजॉय। हमारे दादी के लिए तू तो बाय। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा राम राम। इस समय 4:30 बज रहा है, रुकी लाइट जलाते हैं। इस समय 4:30 बज रहा है और मैं उठ गई हूँ। अभी 5-7 मिनट हुआ मुझे उठे और अभी अजान हो रहा था। अभी भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कितना अंधेरा है। अजान हो रहा है 4:30 बजे का, तो मैं उठ गई हूँ, अब काम करूँगी। काम तो रहता ही है, मैं अकेली हूँ और सिर्फ पूनम आती है बर्तन मांजने के लिए, तो काम रहता ही है, तो इसलिए मैं उठ चुकी हूँ। नींद भी खुल गया था, अब मैं काम करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जितना कूड़ा है बाहर फेंकेंगे, मैं ऊपर से नहीं फेंकती। मेरे मोहल्ले में सब लोग ऊपर से फेंकते हैं, मैं नहीं फेंकती हूँ, मैं नीचे जाके कूड़ा फेंकती हूँ। तो कूड़ा फेंकेंगे तो मोबाइल ले जाना फिर पॉसिबल नहीं, क्योंकि चेरी सो रही है, तो इसलिए मोबाइल रख के तब नीचे का काम करके झाड़ू लगा के आते हैं। फिर अभी सुबह मैं एक गिलास पानी पी चुकी हूँ और ये नींबू रखे रखे ना थोड़ा सा सूख गया है, इसको गर्म पानी में डाल देते तो ठीक हो जाता, लेकिन तब भी इसमें रसा निकल रहा है। फिर मैं नींबू पानी पीऊँगी। नींबू पानी तो मैं हमेशा से ही पीती थी, लेकिन इधर बीच मुझे थोड़ा सा यूरिन में प्रॉब्लम हो गया था, जलन हो गया था, तो डॉक्टर ने बताया था कि धनिया पानी पीजिए, तो धनिया पीने लगी थी मैं। धनिया भिंगाए हैं, पियेंगे लेकिन इसके बाद पियेंगे। फिर उसको डॉक्टर ने कहा था कि आप चाहे भी जब पी सकती हैं, तो इसलिए धनिया पानी तो भी हम पियेंगे। इसमें पहले नींबू है, छोड़ नहीं रहा है। ये आलू थोड़ा ज़्यादा उबला हुआ था, तो ये मेरे हस्बैंड नाश्ते में कर लेंगे, और चेरी का ये लंच बॉक्स है मैंने बना दिया है। कितना अच्छा बाल कटा है, नहीं आपकी बिटिया देखेगी ना, एकदम बढ़िया बाल गर्मी के हिसाब से कटा है। आपको छोटा लग रहा है? अरे ठीक है। नहीं नहीं हल्का लग रहा, अच्छा लग रहा। छोटा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, ठीक है एकदम।
कौन काटा है? विकास हो तो अच्छा काटा है, वो तो बढ़िया काटा है। ये है करी लीफ, ये डॉक्टर कहती हैं खाने के लिए, इसमें बहुत कैल्शियम होता है, मैं रोज खाती हूँ। अब चाय बन रही है, चाय बन गई है, कम हो गया है क्या देखें, नहीं ठीक है। अभी नहीं पियेंगे, छान लिए हैं, गर्मी है, बहुत गर्म है, अभी पियेंगे नहीं, थोड़ा सा रुक के अभी तो करी लीफ खाए हैं, अभी करी लीफ खाए हैं, थोड़ा सा दो घूंट पानी पियेंगे तब पियेंगे। सुबह से एक गिलास सादा पानी, एक नींबू पानी पी चुके हैं, इसीलिए करी लीफ खाए हैं, थोड़ी देर बाद तब चाय पियेंगे। चेरी 6:10 फटाफट काम करो जल्दी। ये मेरा आगे गुड़हल का पेड़ है, तो इसमें फूल निकलता है, लेकिन जरा सा भी अगर कोई अगर वहाँ से छू जाए किसी से भी, तो तुरंत फूल गिर के नीचे चला आता है, ज़मीन पे टूट जाता है। चेरी तो चली गई है स्कूल, चेरी का लंच बॉक्स तो रेडी था, मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग और फिर उसके बाद कपड़ा धुल के नहा के पूजा पाठ कर ली हूँ, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है, जो चेरी को मैंने सब्जी दिया था लंच बॉक्स में वही इस समय भी है। ये मेरे हस्बैंड का, ये है ब्रेकफास्ट, ये आलू की सब्जी, टमाटर की चटनी, टमाटर और धनिए की चटनी है, ये जो चना के दाल का पराठा, दाल का पराठा और ये सादा पराठा, ये आज हमारे घर का ब्रेकफास्ट है। ये पूरा कपड़ा धुल चुका है, ये इस समय हवा भी चल रहा है खूब यहाँ पर, अच्छा लग, और ये मैं यहाँ बैठी हूँ और ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। ये है मेरा ब्रेकफास्ट है, ये नाश्ता तो सबका हो गया है, और मैं सब्जी काटने जा रही हूँ, आज भिंडी बनाऊंगी, भिंडी थोड़ा कम है तो इसमें आलू डाल के, जैसे कि काली मिर्च डाल देंगे, नमक तो, और कुरकुरी कर देंगे, तो वो मैं भिंडी बनाऊंगी। और आज दाल नहीं है, 4-5 से अपने पति से कह रहे हैं कि जाइए ले आइए, ये जहाँ हम लोग रहते हैं ये गन्ना मंडी है, बहुत बढ़िया दाल मिलती है, तो इसलिए हम लोग पैकेट वाला, मॉल भी बगल में ही है तो हम लोग पैकेट वाला दाल नहीं लेते, तो इनको जानकारी है कहाँ अच्छी मिलती है। तो ये मसूर है, थोड़ा सा मसूर था, आधा कप के करीब मसूर है, और थोड़ा सा छिलके वाली मूंग की दाल है और चना का दाल है, ये तीनों मैंने मिक्स कर दिया है, फिर मैं यही बनाऊँगी। कोई भी दाल आप मिक्स कर लो, बहुत टेस्टी बनती है, तो ये तीनों दाल मैंने मिक्स कर लिया है। और आज आकाश को कोल्ड हुआ है, आज वो पानी पियेंगे फ्रिज का, 4-5 भोर में तो कोल्ड होगा ही, तो ये मैंने चावल भिंगा दिया है, आकाश चावल नहीं खाएगा, तो ये पहले भिंडी काट लेंगे हम। भिंडी 2 भी बनाती हैं, और भिंडी बेसन वाली नहीं बनाते भिंडी, क्योंकि पता नहीं क्यों हमारे यहाँ सबको हैवी लगता है, और हम डीप फ्राई नहीं कर सकते, कुरकुरी भिंडी को डीप फ्राई किया जाता है, मैं डीप फ्राई तो बना ही नहीं सकती हूँ भिंडी, अगर कोई गेस्ट आए तो बात अलग है, नहीं तो
बहुत ऑयली हो जाता है। भिंडी लो, छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा भिंडी, ये अच्छा रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, कड़ा भी नहीं निकलता है ये। और जो बड़ा भिंडी रहता है वो अच्छा नहीं रहता, वो कड़ा निकल जाता है, टेस्ट में भी अच्छा नहीं रहता, लेकिन ये छोटी भिंडी अच्छी होती है। भिंडी कट चुका है, चावल चावल दाल का पहला पानी पेड़ में नहीं डालते हैं, ये लोग पॉलिश किए रहते हैं तो इसलिए पेड़ को भी नुकसान पहुंचता है, तो अभी पहला पानी नहीं डालेंगे। ये अब दूसरा वाला पानी डालेंगे, ये वाला पानी, फिर चावल भी धुल लें। दोनों चीज का, दाल और चावल का, ये दूसरा दूसरा पानी है, अब मैं इसको पेड़ में डाल दूंगी। इसको सोक करके रख देंगे, ऐसे चावल बहुत सॉफ्ट बनते हैं, और जब इसको बनाएंगे तो ये पानी भी पेड़ में डाल देंगे, लेकिन इसको सोक करके 2 घंटे तक हम रख देते हैं, तो बहुत मुलायम और बहुत जल्दी गैस भी नहीं लगता और चावल बन जाता है। ये भिंडी काट ली, इतने भिंडी में तो होगा नहीं, सब्जी वाला आया था लेकिन भिंडी अच्छी नहीं थी, तो मोरने लिए हमने सोचा आलू ही डाल देंगे। एक ही सिर्फ रखा था बैगन, तो ये मैं कलौजी खाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई कलौजी नहीं खाना चाहता और मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं एक का ही बनाऊंगी। और इतना छोटा छोटा मैं आलू भिंडी में डालूंगी, पहले आलू लाल हो जाएगा, उसके बाद फिर तब आधा से ज़्यादा पक जाएगा तो उसको निकाल के तब भिंडी डालेंगे। तीन दिन से दाल कह रहे हैं ले आइए, और सब दुकानों में बहुत अच्छी दाल नहीं मिलती है, जहाँ पे अच्छी दाल मिलती वो इन्हीं को पता है, तो इसलिए यही लाएंगे दाल, सब जगह की दाल का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि दाल की क्वालिटी रहती है, लोग बहुत ज़्यादा पॉलिश चढ़ा देते हैं तो दाल अच्छी नहीं लगती फिर, ये अनपॉलिश दाल लाते हैं। ये सब्जी कट गया, अब इसको धो के तब छौंक देंगे इसको। ये मैं पूजा में किशमिश चढ़ाती हूँ, तो इस किशमिश में ये चांदी के गिलास का पानी है, ये डाल के और मैं फ्रिज में रख दूंगी, इसको खाली पेट में चेरी को देती हूँ रोज।
बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं यहाँ बैठी हूँ और ये पालक में नींबू डाल दिया है मैंने, ये पीने जा रही हूँ। इतनी गर्मी है ऊपर किचन में कि बता नहीं सकते। आप लोग भी छत पे पानी रखा कर कीजिए, हम लोग भी रखते हैं, हम लोग दो दो छत पे रखते हैं पानी, कम से कम चिड़ियों के लिए। वो लोग बेजुबान हैं, बोल नहीं सकती, कम से कम पानी हम लोग दोनों टाइम रखते हैं पानी। वो बाउल में, मिट्टी का बाउल है, उसमें भर भर के रखते हैं और चिड़िया सब पीती हैं, सब ख़त्म कर देती हैं। हम लोग रखते हैं, आप लोग भी रख दीजिए। तो ये मैं पालक का सूप पीने जा रही हूँ। ये मेरा पालक का सूप, आज पालक में कुछ नहीं डाला है, पालक है और नींबू है बस, और कुछ भी नहीं। मेरी चेरी को नहीं पसंद है, लेकिन भैया बाबू कह के मैं उसको पिला ही देती हूँ। नींबू डालती हैं तो पी लेती है। तो आज तो वो देर से आएगी, कल पी थी तो बहुत गुस्सा कर रही थी। एक दिन छोड़ के एक दिन पिलाएंगे तो पी लेगी। तो चलिए अब हम सब्जी बनाते हैं। आधी सब्जी बन गई है। आजकल मेरे हाथ में जो नस है ये चढ़ जाता था, मतलब कि बहुत तन जाता था, दर्द होता था। तो ये मैं न्यूरोबियन टैबलेट लेके, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की है। और ये है सेलकॉल एम। तो ये तो 30 के बाद सभी को खाना चाहिए। और मैं जिंकोविट लेती हूँ, जिंकोविट नीचे है, लाना है ऊपर। और इतना तो सभी को लेना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो। पूरी विटामिन हमको साग सब्जी फल दूध पनीर से नहीं मिल सकती, इस एज में सभी को लेना चाहिए। मैं रोज लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी रोज देती हूँ डेली। भाई जीना है, स्वस्थ रहना है तो खाना तो पड़ेगा ही। ये भिंडी के लिए आलू फ्राई हो गया है और यहाँ भिंडी भी मैंने काट दिया है। और ये कुकर में तेल डाला है, जा रहे हैं अब बनाने दाल। ये कुकर में तेल गरम हो गया है और ये लाल खड़ा मिर्चा, जीरा और ये थोड़ा ज़्यादा लहसुन प्याज और अदरक को कद्दूकस करते जाएंगे, किसी के मुंह में ना आए। ये खाना बन के रेडी हो गया है, दाल चावल सब्जी। और इसमें एक बैंगन की एक और सब्जी है जो बहुत दो मिनट में बनती है, बनाया है रोटी। इस किचन में बहुत गर्मी लगती है इसलिए मैं गर्मी में बना के रख ही देती हूँ। और अब देखें कपड़ा कौन कौन सा सूखा है, तो फिर उसको फिर हटा के रख देंगे। चेरी का टॉवल, चेरी का टॉवल है ये। और ये मेरा फ्लोर है, नीचे वाला मेरा फ्लोर है, जो ऊपर आकाश का, आकाश का ऊपर, यहाँ पे बीच में चेरी का, नीचे मेरा। इसको बंद कर। आज की मेरी लंच थाली भिंडी आलू की सब्जी, सलाद में खीरा है, प्याज आज नहीं था, चावल रोटी, बैगन का
ऐसी थोड़ा सा स्टू बना दिया था, मिक्स दाल। मिक्स दाल में तीन दाल ही था बस, और मट्ठा। आज की मेरी परफेक्ट और डिलीशियस लंच थाली।